नमस्कार। राजसमंद एक्सप्रेस जो छात्र संघ के चुनावों को कवर करने के लिए लगातार कोशिश कर रही है कि हर एक बार अलग अलग कॉलेज में जाए, हम राजसमंद के छात्र राजनीति के तमाम संस्थानों में जाकर वहाँ के कुछ दृश्य आप तक लेकर आ सके, इस कड़ी में हमने कोशिश की थी। पहले सेठ रंगलाल कॉलेज राजसमंद के कुछ दृश्य लेकर आए थे, वहाँ के लोगों से हमने बात की थी। आज हम आ चुके हैं जो छात्र राजनीति का सबसे रोचक रण जहाँ होता है, नाथद्वारा। बड़े ही राजनीति का एक मजबूत गढ़ माना जाता है, बताया जाता है। यहाँ से जो छात्र नेता निकलते हैं ना, वो बड़ा नाम करते हैं, बड़े ही सक्रिय रहते हैं। हालांकि हल्की हल्की फुहारें हो रही है तो बाहर छात्र इतने नहीं दिखाई दे रहे हैं। फुहारों के बीच में जो अमूमन हम देखते हैं कि छात्रों को सहायता के लिए डेस्क लगाए जाते हैं, वो भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। मगर फिर भी हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से कुछ छात्र नेताओं से बात करें, यहाँ के राजनीतिक मिजाज को थोड़ा सा भांपने की कोशिश करें। हम सेठ मथुरा दास बिनानी राजकीय कॉलेज से, नाथद्वारा से कुछ साथी हमारे साथ हैं, इनसे जानते हैं कि क्या मिजाज है, क्या माहौल है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम अजयपाल सिंह चुंडावत है, कोटवा से हूँ मैं। इस बार छात्र संघ अध्यक्ष पद हेतु तैयारी कर रहा हूँ और हमारी टीम कौन से संगठन से? ABVP अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। जी, अखिल भारतीय ABVP से आप कर रहे हैं। शायद पिछले जो अध्यक्ष थे वो भी आपके यहाँ ABVP से ही थे और ABVP का हाल के कुछ सालों में यहाँ पर प्रभाव अच्छा खासा देखने को मिलता है। अजयपाल सिंह जी से जानते हैं कि इस बार क्या लगता है, ABVP वही क्रम जारी रखने वाली है या कुछ अब की बार ब्रेकर आने वाले हैं कुछ? नहीं, अब की बार भी फुल जोरदम से हमारी तैयारी चल रही है। पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा हूँ मैं ABVP से और कॉलेज में बहुत काम करवाया है पिछले 5 सालों में। पार्किंग वगैरह ऐसे कैमरा कॉलेज में, गाड़ियाँ चोरी होती थी पहले भी, अपने लाइब्रेरी खुलवाना वगैरह, बहुत सारे काम हम 5 सालों में हुए हैं और आगे भी करेंगे। हमारा आपका समर्थन और साथ चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। हम तो आपकी बात को पहुंचा सकते हैं, अब ये स्टूडेंट्स देखेंगे वो आपकी बात पे कितना विश्वास करते हैं। आप 5 साल से मेहनत करें तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। कौन से ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं कि आपको लगता है कि ये मैं चुनाव अगर जीता तो मैं फिर इन पे काम करूँगा? एक तो बॉयज़ NCC आप फिर से चालू करवाने के लिए करेंगे और NCC अभी गर्ल्स वाली चल रही है वो भी बंद होने वाली है, तो उसको वापस चालू करवाने, क्योंकि मैडम अभी निकल रहे हैं तो NCC की मैडम भी वापस, क्योंकि गर्ल्स की NCC अभी चालू है और मैडम अगले महीने से रिटायरमेंट हो रहा है मैडम का, तो नई मैडम का भी कुछ करेंगे और बॉयज़ NCC वापस चालू करवाएंगे। पहले चालू थी, टीचर्स की कमी की वजह से बंद हैं ये सब, इसलिए ये करवाएंगे। क्या लगता है क्या परिणाम रहने वाला है? परिणाम अच्छा ही रहेगा, अगर जीत हमारी होगी वैसे, और हम करवाएंगे ही। अच्छा, करवाएंगे। इधर से कोई बोलना, अपने में से कोई बोलो ना, ऐसा कुछ नहीं, अपने घर की बात है, बिल्कुल अपने आपकी बात। क्या नाम है आपका? गौरव प्रताप सिंह जी, कौन सी क्लास में हो आप? मैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में। तो क्या अभी चुनाव में अजयपाल सिंह जी के लिए मेहनत कर रहे हो या NSU के लिए मेहनत कर रहे हो? अजयपाल सिंह जी ABVP से मेहनत कर रहे हैं। ABVP से मेहनत कर रहे हो तो अजयपाल सिंह जी के लिए मेहनत कर रहे हो, या आगे जाके आपका भी मानस है कि कभी फिर मैं भी अवसर मिला तो चुनाव लड़ने के लिए? ABVP से मेहनत कर रहे हो, अजयपाल हमारा भाई है, उनके लिए दोनों की तरफ से हम लड़ रहे हैं। अच्छा, और आपका कोई चुनाव लड़ने का मानस नहीं है? अभी कोई मानस नहीं है हमारा। भविष्य में देखा जाएगा। क्या लगता है ABVP इस बार पहले की तरह दमदार है? इसी तरह हमारी अगर मेहनत चलती रही तो हम सीट भी निकाल लेंगे और हमारा अध्यक्ष भी बन जाएगा। सब अध्यक्ष बन जाएगा नाथद्वारा में। और भी कुछ नेताओं से बात करते हैं, यहाँ आ जाओ। अरे पीछे कहाँ जा रहे हो आप, तो छात्र राजनीति में हो आप, उधर ही रहोगे? उधर ही आऊँ मैं। हाँ चलो। हाँ, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह कितावत है। हाँ, गढ़ावाड़ी रहता हूँ मैं। क्या कॉलेज में कौन सी क्लास में हो आप? मैं सेकंड थर्ड ईयर में हो। तो दो आपके तो मेरे हिसाब से पहली बार चुनाव हो रहा होगा, 2 सालों तो हो ही नहीं रहा जी। तो यूं तो लग रहा है कि यार मेरे जाने से पहले कम से कम चुनाव तो हो गए इस बार। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी आपके मन में रह जाता है कि वोट देना, मन के एक मन में रह जाती है। बिल्कुल। चलिए, अशोक गहलोत साहब का धन्यवाद कि उन्होंने सुनी ये हमारे अजयपाल सिंह जी को लेकर आए कि इनसे बात करिए। तो मैं पहले इनसे बात करूँ, उससे पहले मेरे को पता चल गया कि इन्हीं के पक्ष की बात करेंगे। क्या नाम है आपका? पक्ष की बात नहीं, छात्र पक्ष की बात। नाम क्या है आपका? मीर सनाड्डे। सबसे पहले तो मेरे को आप बड़े ही मतलब होनहार छात्र लग रहे हैं, ये मैं कह सकता हूँ। क्या क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम छात्रहित की बात करते हैं सर, हमारे कोई ABVP NSU से कहीं लेना देना नहीं है। कहने का मतलब हमारी छात्रहित की बात है कि छात्र का विकास होना चाहिए। आप हमको वोट दो नहीं दो उससे कोई मतलब, वो आपकी इच्छा है। आप छात्र, आप हारेंगे तब भी हम छात्र का विकास करेंगे, छात्र का योगदान देंगे। जीतेंगे तब भी छात्रहित की बात करेंगे, छात्र का सहयोग करना हमारे सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य। छात्र हितों की बात कर रहे हैं, थोड़ी बरसात हो रही है तो हम कोशिश करें कि छात्र हितों की बात थोड़ी सी अंदर की तरफ जाके करें ताकि बरसात से ना भीगे, छात्र हितों को भीगने से बचाए थोड़ा सा हम। अब थोड़ी सी पिक्चर चेंज करते हैं, अभी तक जितने भी चेहरे आए तमाम चेहरे ABVP से जुड़े हुए आए, अब जो फ्रेम चेंज हुई है उसमें शायद मुझे चेहरे
एनएसयूआई से दिखाई देंगे। क्या नाम है आपका? ध्रुवराज सुखवाल, नगर अध्यक्ष नादवारा। नगर अध्यक्ष किसके हैं आप? नादवारा एनएसयू। नादवारा एनएसयू। मैंने जो इसे कहा ना कि चेहरे थोड़ा यू फ्रेम बदलेगी और चेहरे बदलेंगे और पार्टी बदलेगी, तो सुखवाल साहब क्या माहौल है इस बार नादवारा कॉलेज का? चल रहा है माहौल और जिस तरह तैयारियाँ चल रही है विपक्ष और पक्ष की, तो परिणाम तो 26 तारीख को जैसा आएगा जी उस अकॉर्डिंग ही चलेगा। उस अकॉर्डिंग चलेगा। 26 को नहीं आएगा परिणाम, वैसे 27 को आएगा। 27 को आएगा। आपका शुभ नाम? राहुल जोशी। राहुल जी, एक तो आप बहुत लंबे हो, पहले तो नीचे आओ आप, पहले उसके ऊपर चढ़े गए। राहुल जी जोशी है और राहुल जी से हम बात कर रहे हैं, उससे पहले मैं राहुल जी से एक आग्रह करूंगा, क्योंकि नाथद्वारा आए और नाथद्वारा की जो बोली का जो मजा है ना वो लिए बिना चले जाए, तो आप मैं चाहूंगा कि बिल्कुल अपनी जो ये ब्रज भाषा है ना उसी में बात करो आप, तो क्या माहौल है इस बार? सर माहौल तो क्या है सर, माहौल तो मेहनत का है सर, क्या और जीत हार तो क्या ठाकुर जी डिसाइड करेगा, क्या अपन तो एक मोर है, अपन तो क्या चलने वाले हैं जी, हार जीत तो जो होगी जो करा है, अपन तो कर्म योग पे विश्वास करते हैं, कर्म सबसे बड़ा, हार जीत तो क्या है, जीत तो बाबा एक दो एक सिक्के के एक पहलू है, ना जीत से लेन देना ना हार से लेन देना, हमें तो मेहनत से लेन देना सर। और तो और दूसरी बात तो ये सर कि कॉलेज वॉलेज सर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक अनुशासन का केंद्र है, अनुशासन का एक केंद्र है सर। मेरा तो यही मानना है कि सर कॉलेज का सबसे नियम इतने स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि कॉलेज एक अनुशासन की मुहूर्त होनी चाहिए, जैसे स्कूल में जाओ तो आपका हर चीज़ का रहता है, तो कॉलेज में भी वैसे ही नियम ना कानून लागू होने चाहिए जी, जिससे कॉलेज का और अनुशासन और सब चीज़ का माहौल बदले, जिससे कॉलेज में भी पढ़ाई हो सके। ये चुनाव प्रक्रिया तो होती रहेगी मगर बच्चों के भविष्य से बड़ा कोई चुनाव नहीं है। ये राहुल जी जो बात कह रहे हैं उसमें मैं बात एक और जोड़ना चाहता हूँ, और मैं ये कॉलेज चुनाव के दौरान बार बार कहता हूँ कि चुनाव होते हैं, उन चुनावों को एक तो मन में नहीं लेना चाहिए, उससे कोई भी मन मुटाव नहीं होना चाहिए, और हारे चाहे जीते अपना लक्ष्य हमेशा अपने निगाह में होना चाहिए। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो मैं बार बार देता हूँ वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, यूनिवर्सिटी से चुनाव लड़े थे और चुनाव हारे थे, और हारने के बावजूद वो आज इस प्रदेश के तीसरी बार मुख्यमंत्री है, तो अगर अपना लक्ष्य अपनी नज़रों में रहे तो हम आगे बढ़ते रहते हैं, तो बाकी तमाम काम चकाचक एकदम आपकी भाषा में जो बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ठाकुर जी लाज रखे सबकी, तो वो तो ठाकुर जी तो एबीवीपी और एनएसयूआई सभी के हैं, मैं तो कह रहा हूँ सबकी रखे, शुरुआत उनसे करें, हम तो लास्ट में है, कोई बात नहीं है हमारे तो पहले। ये मस्ती आपको नादवारा में देखने को मिलेगी, बड़े आनंद। अब सुनील जी आप आगे आ जाइए, आप भी, आप हमको वैसे खबरें तो भेजते रहते हैं कि मैंने सीटें बढ़ा दी है, गेट खोलेंगे ठाकुर जी से मिल लेंगे, मगर ये दूर से इनको आशीर्वाद की ज्यादा जरूरत है। ये थोड़ा सा आध्यात्मिक बात कर रहे हैं सुनील जी, हमको खबरें भेजते रहते हैं कि सीटें बढ़ गई है, हमने ये मेहनत की है वो मेहनत की है, इस मेहनत का कोई नतीजा 26 तारीख को दिखेगा क्या? बिल्कुल दिखेगा सर, छात्र हित में जो काम किया है इसका नतीजा 27 तारीख को दिखेगा आपको, जब मैं जीत के कॉलेज के बाहर निकलूंगा। मैं जीत के कॉलेज से निकलूंगा, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि आप इस कॉलेज में छात्र संघ से दावेदारी करने वाले हैं, एनएसयूआई से। तो एनएसयूआई का वैसे अगर पिछला थोड़ा सा रिपोर्ट कार्ड देखे तो इतना मजेदार नहीं रहा है, इस बार आपको क्या क्या लगता है कि यार इस बार तो मैं पिक्चर बदल के रखूंगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल सर, पिक्चर बदलेगी इस बार, इस बार पूरा रुख हवा का चेंज होगा, क्योंकि छात्र हित में कोरोना कार्यकाल में काम करने वाला यहाँ पे सिर्फ मैं ही उपस्थित था और मेरी टीम पूरी उपस्थित थी जिस कोरोना में, और स्टूडेंट के हित में जो काम किए हैं, लाइब्रेरियन लाने का काम जो मैंने किया था, साइंस की 4 PG खोली है 4 नए सब्जेक्ट में, CP साहब को बार बार ज्ञापन देने के बाद साहब ने 4 सब्जेक्ट में PG खोली है साइंस के, और ऐसे तमाम काम हमने किए और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिन मुद्दों को लेकर मैं चुनाव लड़ूंगा। मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। अजय पाल सिंह जी कहाँ गए? इधर आओ आप। ये कह आपने मेरे को बताया कि मैं 5 साल से सक्रिय हूँ, ये कह रहे हैं भैया मैदान में सिर्फ मैं ही था, कोरोना काल में कोई आसपास ही नहीं था। कोरोना काल में आप मेरा वीडियो भी देख सकते हो, मैंने सोशल मीडिया पे अपलोड कर रखा है, कोरोना काल में जब वो कोरोना काल चला था हमने पुलिस स्टेशन सार्वजनिक स्थानों सब जगह सैनिटाइजिंग का कार्य भी किया और कॉलेज में भी कार्य करवाते हैं। तो काम अब ये तो वही वाली बात हो गई, देखो नेतागिरी वाली कि भाई मैंने भी किया, अब वो बात वापस वहीं जाके आता है। बात स्टूडेंट के हित की है, विद्यार्थी के हित की, और विद्यार्थी के हित में किसी ने कोरोना में काम किया है तो वो सभी विद्यार्थी जान रहे हैं, जो कोरोना कार्यकाल में स्टूडेंट कॉलेज आए वो सब जान रहे हैं। मेरे को बताओ राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आप पौधे को पानी पिलाने के लिए बोल रहे हैं, आप गांजे के पौधे को पानी पिला रहे हो तो क्या मतलब, नादवारा में काम कर रहे हो, कॉलेज में काम करना। ये राहुल जी हर बार कुछ न कुछ एक अलग टिप्पणी लेके आते हैं और अपने इशारों में कोई ना कोई बात कह देते हैं। इधर अगर एबीवीपी से कोई आप रुको थोड़ी देर, आप बात करेंगे आपसे। सुनील जी बड़े दम से आप बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी आपको उपलब्धि क्या लगती है कि अगर मैं अगर जीता तो मैं सबसे पहले ये काम करूँगा? सबसे पहले तो एक दूर दूर से जो विद्यार्थी आते हैं, एक तो कॉलेज से NCC निकल गई है, पहले सबसे पहला काम तो करूँगा मैं NCC लाने का, वो ही की,
और दूसरा काम में गर्ल्स की एनसीसी जाने वाली है उसको रोकने का प्रयास, क्योंकि जो मैम थे गर्ल्स एनसीसी के एनओ उनका रिटायरमेंट होने वाला है, उनको रोकने का प्रयास करूंगा या फिर नए लाने का प्रयास करूंगा। पर रिटायरमेंट से क्या वो विभाग ही खत्म हो जाएगा? बॉयज एनसीसी में ऐसे ही हुआ है, जैसे एनओ यहाँ से चले गए तो वो गर्ल्स एनसीसी बॉय एनसीसी को ले। तो ये अजय पाल सिंह जी भी दोनों मुद्दे उन्होंने कहा कि ये तो मैं भी करूंगा, तो सर कोई जिम्मेदारी लेने नहीं चाहता सर, मेरा तो सर मैं कर किया है मैंने पहले, और हार जाऊंगा तो भी करने का प्रयास करूंगा और करूंगा, ये बात नहीं है नहीं करूंगा। और हॉस्टल जो बंद पड़ा है माइंड में तो इतनी बड़ी थिंकिंग है सर, आप खुद कहोगे कि यार काम होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। जैसे अभी आप एक बात बोलता हूँ, अभी गांव से ये बच्चे आ रहे हैं, ब्रिज से उतर रहे, टेट कोई वहाँ उतर रहा, नातूवा से कोई यहाँ से उतर रहा तो परेशानी हो रही, कोई रिक्शे में नाथवारा से आ रहा है, तो अपन गवर्नमेंट से सरकार से अपन ये अपील करेंगे सीपी साहब से कि यहाँ एक बस स्टॉप की माफ की जाए, जिससे बस स्टॉप पे डायरेक्ट यात्री को स्टूडेंट है। वाजी 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 बात बता रहे हो, पर इसमें कई बार राहुल जी अब मेरे दिमाग में ये भी आता है, जैसे इन्होंने भी कहा मैं एनसीसी बॉयज वाली क्या लाने की बात कर रहे हैं आप, और गर्ल्स वाली रोकने की बात कर रहे हैं, दोनों ही कर रहे हैं, तो दोनों फिर मिलके लड़े क्यों नहीं लड़ रहे हो आप यार, अलग अलग क्यों लड़ रहे हो? आप आगे हो, आप पहले आगे हो, पीछे आप इतने लंबे हो और पीछे तीन तीन। अब इसके बाद मैं आपको क्लियरिटी बताऊंगा सर, ये अब मैं बारी बात हो, काम होता है अभी जैसे आज से 4 साल पहले काम हुआ होगा कोई वॉशरूम बना गर्ल्स का, 4 साल से कोई काम हो ही नहीं, आप नॉर्मली मान लो। फिर उसके बाद कोई बस स्टॉप है, बच्चे भूखे मरे भले कुछ भी हो, यहाँ से आ रहे भले नाथद्वारा से टेम्पू में आ रहे, बस की व्यवस्था होनी चाहिए जो ऊपर से ब्रिज से नहीं निकल के नीचे से निकले, ऐसी कोई व्यवस्था हो ही नहीं सकती सर क्या। मगर अपन फिर भी अपन कह रहे कि इससे अपन केंद्र सरकार में पहले रोड मंत्री रहे डॉक्टर सीपी जोशी, तो अपन उनसे अपील करवा के NH 8 में अपन बोल के यहाँ बस स्टॉप लगवा सकते हैं, ये कार्य अपन कर सक रहे हैं, और ये काम चाहे हार हो चाहे जीत हो उससे कोई नहीं, मैंने कहा ना कर्मयोग सबसे बड़ा, अपन स्टूडेंट के लिए सब कुछ कर लेंगे उससे बड़ा हमारे लिए कोई नहीं है, और ये इनका कर्म है सर, ये जैसा करेंगे उनको भगवान ठाकुर जी बताएगा, तो उसके पैसे तो उसके। ये मुद्दा वाजिब मुद्दा दोनों से पूछूंगा मैं, इस मुद्दे पर कोई आपको लगता है कि, क्योंकि बात तो इन्होंने बिल्कुल सही बताई है, इस पर अगर आप, मैं पहली बात तो ये कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से तो आप दोनों को शुभकामनाएं कि चुनाव हो, दोनों के बराबर वोट आए, वापस तो हो वापस बराबर वोट आए, मेरी तरफ से तो है ये, तो अब आप दोनों मिल के लड़ोगे इस मुद्दे के लिए कि नहीं लड़ोगे? मैं तो सबसे पहले इस मुद्दे पे ऐसा काम करूंगा, एक पास बनवाऊंगा कॉलेज से, जिससे कॉलेज के जो रेगुलर छात्र हैं उनके एक पास बनेगा, उसमें जो कॉलेज में आते हैं रेगुलर कॉलेज उनके पास बनेगा, उसमें बस में किराया नहीं लगेगा उन छात्रों का। अच्छा, उस पास से, पास के माध्यम से, पास से किराया। जब पास की बात कर रहे हैं तब आप इनके पास रहोगे कि नहीं रहोगे, मतलब साथ रहोगे कि नहीं रहोगे, ये बताओ। पास की बात तो सर ये है, जब यहाँ पे अगर स्टॉप बनेगा, वो स्टॉप हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं रोडवेज बस स्टॉप का, और वो चलेगा खाली रोडवेज बस में, वो स्टॉप हम बनवाएंगे तब उसमें वो पास काम करेगा। नहीं, अब मैं पीछे जो स्टूडेंट खड़े हैं उन सबको कह दूं कि जो भी हारे चाहे जो भी जीते, आपको इनको तो पकड़ना है कि हमारा पास का क्या हुआ, और इनको पकड़ना हमारा बस स्टैंड का क्या हुआ, और दोनों अगर नहीं सुने तो फिर राहुल जी के पास जाना है, फिर राहुल जी के पास। अब अपने में से कोई ऐसा कोई मुद्दा है जो बताना चाहता है कि यार ये बात मन की बात कोई करना चाह रहा हो, फिर अपन इनसे आपके सामने सवाल पूछ लेते, कोई है क्या? आ जाओ आ जाओ, अरे आ जाओ, क्या आपको क्या लगता है बस की समस्या वास्तव में वाजिब समस्या है क्या? ये आप तो बोल लिए पहले, आप बताओ। सर समस्या तो बहुत सारी है, अगर गिनी जाए तो काम अजय पाल ने भी किया, तो हमारे भाई सुनील ने भी किया, मैं कोई एक का साथ नहीं देता, मैंने ABVP में भी सहयोग किया, जब ABVP और सबसे निर्दलीय हमारे भैया लड़े महिपाल भैया MPS टीम, और उसी MPS के पीछे हम आज भी चल रहे हैं, क्योंकि जो उनका रुतबा था उन्होंने कॉलेज में काम किया। नाम क्या है आपका? शुभम सोनी सर। शुभम सोनी, ये देखिए मैं नाथद्वारा शुभम सोनी से और बात करें, उससे पहले नाथद्वारा की मेरे को आज जो व्यक्तिगत रूप से बड़ी खूबसूरत चीज़ लगी वो ये लगी कि चाहे राहुल जी बोले हो, चाहे शुभम सोनी हो, चाहे वो एक भैया मैं आप क्या नाम था आपका, मिहिर जी, ये तमाम लोग एक चीज़ बड़ी बड़ी बेबाकी से कह रहे हैं कि भैया कोई हारो कोई जीतो हमको कॉलेज से मतलब है, और हमारे मित्र तो सुनील जी भी है और हमारा मित्र अजय पाल जी भी है, हाँ तो ये अच्छा लगता है। तो अब आप बताओ कि सर मित्र दोनों हैं, मैंने 4 साल पहले एडमिशन लिया जब टीम MPS ने काम किया था, उस टाइम MPS नहीं ABVP और NSU चल रहा था, NSU में से खड़े थे हमारे जितेंद्र सिंह जी, सामने थे महिपाल भैया, लेकिन उनको कुछ कारणवश वहीं से टिकट आया ही नहीं, उनके नाम का टिकट मिल गया। मुझे बस का बताओ, बस का बता रहा हूँ सर, लेकिन उनके थ्रू जब उन्होंने निर्दलीय लड़े और निर्दलीय में भी सिंगल वोट से जीते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कोई था नाथद्वारा में, वैसे सिंगल वोट का एक चलता है आपके विधानसभा, सिंगल वोट मतलब एक वोट नहीं, फिर भी बड़े जाते से जीते, वही बात आज भी है, जो काम अजय पाल कर रहा है वो भी बहुत बढ़िया है, मेरे साथ पढ़े हुए स्टूडेंट है, मेरे साथ ही MA कर रहे हैं, और जो सुनील भाई है वो भी बहुत बढ़िया काम, कर रहे हैं, और मैं तो सर सोनी जी, शुभम सोनी, शुभम जी सोनी, अब आपसे चलते हैं, आपका क्या नाम है सर? तरुण बढ़िया। तरुण जी आप भी यही कह रहे हो कि भाई पहली बात तो आप मेरे को चुनाव आगे भविष्य में लड़ोगे ये तय बात है, मेरे को आपको देख के, क्योंकि दोनों ही प्रत्याशी सफ़ेद शर्ट में खड़े हैं और आप बिल्कुल बीच में आके सफ़ेद शर्ट में हो, मतलब नेतागिरी तो आप करोगे, अब मुझे ये बताओ आप तरुण जी के किसके साथ हो आप? मैं सर टीम सुनील जोशी के साथ काम कर रहा हूं। सुनील जोशी के साथ हो आप,
क्या लगता है सुनील जी इस बार बाजी मार लेंगे? जी सर, क्योंकि सर इन्होंने छात्र हित के लिए मेहनत की है और हमने भी इनके साथ कोरोना में मिलके, मेरे बड़े भाई के साथ हमने भी मिलके मेहनत की है। हमारे बहुत सारे बड़े भाई भी थे जिन्होंने कार्यकाल में वैक्सीन कैंप लगाए, ब्लड कैंप लगाए, ऐसे बहुत सारे काम भी किए, लोगों की सेवाएं भी करी है। इस कारण हम छात्र हित के लिए ज़्यादा सर्वोपरि हैं, इसलिए हम छात्रों को कन्विंस करते हैं और उनकी हेल्प करके हम कोरोना में सर अभी जैसे क्या हुआ था कि सबको अभी याद पूरे टूर एंड सब बंद हो गए थे, पूरा बंद था, तब इनसुई तब ऐसी थी कि नाथद्वारा, जैसे नाथद्वारा विभाग में प्रभारी नियुक्त किए, राजसमंद में नियुक्त किए, पूरे राजस्थान में अभिषेक चौधरी के निर्देश अनुसार पूरे राजसमंद में कैंप लगाए गए। कोई भी किसी यात्री को समस्या होती, किसी इंजेक्शन से लेकर किसी ब्लड से लेकर कोई भी व्यवस्था होती, तो अभिषेक चौधरी जी के निर्देश अनुसार हर चीज कोरोना काल का आप बताइए। अब अपन आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं, दोनों ही प्रत्याशियों से मैं सीधा जवाब लूंगा, क्या लगता है कौन जीतेगा? मैं ही जीतूंगा चुनाव। कितने वोटों से? टीम के साथ। कल मैंने एक कार्यक्रम किया था, आपने शायद देखा हो तो, राजसमंद एक्सप्रेस में, दूसरों को बता देता हूँ कि कल एक कार्यक्रम आया था जिसमें कि हमने भारतीय जनता पार्टी या एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों के दो दो पदाधिकारी को बुलाया था, और वहाँ पर तो उन्होंने कहा था कि भैया हम तो एबीवीपी इस बार 500 वोटों से जीतने वाली है। आप क्या वोटों का कोई अंतर बता रहे हो? सर हमारे तो वोटों का अंतर तो सर ये अभी तक वोटर लिस्ट लगी नहीं है, तो उससे हम आइडिया लगा नहीं सकते। बाकी जितने हैं समझ लो 70 या 80% वोट हमारे ही पड़ेंगे। 80% आपके, तो इन्होंने 20% ही छोड़े, अब क्या करना रहा? अपने तो 100% है, हमारे 100% है, हम 100% पे बात करते हैं क्योंकि हम 5 साल से तैयारी कर रहे हैं और हर 5 साल से हमारी टीम का ही, जिन्होंने ऐसा बताया, टीम एमपीएस से, टीम एमपीएस जब से हम लगे हैं टीम एमपीएस से ही हूँ मैं भी, और हम कॉलेज में सभी कार्य करवाएं, जो कॉलेज भी जानता है, छात्र भी जानते हैं, अभी इन फर्स्ट ईयर के नए स्टूडेंट नहीं जानते हैं, तो ये भी जान जाएंगे जैसे हमें मिलेंगे। और हम, हमारा ग्रुप है, हम मतलब ऐसा नहीं है हम सिर्फ अध्यक्ष लड़ने के लिए ये चुनाव लड़ते हैं, हम अध्यक्ष लड़ने के बाद भी उनके साथ रहते हैं, भाई जैसे रहते हैं। मतलब आपका कहना है आप जीतोगे? बिल्कुल 100% वोट सर। काफिला गाड़ियों का नहीं बोलेगा, मनुष्य का बोलेगा, ये हमारा घर में कॉलेज के बाहर भी है। हम तो 27 को मिलेंगे सर जब चुनाव का, और नहीं तो नतीजा अगर खिलाफ गया तो नहीं मिलोगे क्या? एक्सप्रेस के साथ हम हमारी बधाई आपसे लेंगे सर। जी जी, मैं शुभम सोनी, पहले रह गया था चुनाव में, उपाध्यक्ष पद पे खड़ा होने का था, लेकिन मेरा ही एक भाई हो गया और इस बार मेरा फुल सपोर्ट है। मेरी वाइफ को मैंने इस कॉलेज में एडमिशन दिला, इस साल सेकंड ईयर रही है, इस साल हुआ तो ठीक, नहीं तो अगले साल जरूर किसी न किसी पद पे एबीवीपी से खड़ा करूंगा। जीतना कर्म नहीं है, खड़ा होना कर्म। चलिए, और क्या नाम है आपका? नंदनी सोनी। नंदनी जी, अभी तो आप मतलब पूरी तैयारी, आपने तो मेरे को जिस तरह से ये सोनी जी बता रहे हैं, आपने तो एडमिशन ही चुनाव और ये राजनीति को देख कर ही लिया है, तो इस बार क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है? कर्म को देख कर लिया। इस बार क्या होने वाला ये बताओ आप? सर देखो, मेरा फर्स्ट बार है, मेरे को इतना कुछ इन बार नॉलेज नहीं है, मैं चाहती हूँ ये मेरा पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, तो इनके सपोर्ट से मैं कुछ ना कुछ तो बन जाऊंगी इस कॉलेज। वो आप तो ये तो सपोर्ट कर रहे हैं अगले साल के लिए, आप इस साल का बताओ कि इस साल राजनीति किस तरफ जाने वाली है? राजनीति सर माहौल के हिसाब से, माहौल के हिसाब से जिधर जो सही होगा सर उसकी तरफ। अच्छा, सही गलत का तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो नहीं, मनुष्य का बोलेगा सर। सोनी जी पूरे दमदार तरीके से डायलॉग वायलॉग सब याद करके आए हैं, और नाथद्वारा में आके आखिर मैं यही कहूँगा कि मेरे को बड़े आनंद आया, हालांकि हमारे यहाँ से पहला वीडियो है, हम कोशिश करेंगे कि बाद में यहाँ के कुछ पूर्व पदाधिकारियों से भी बात करेंगे, यहाँ के जो दावेदार है उनके साथ भी हम कहीं पर बैठकर बड़ी व्यवस्थित चर्चा करेंगे, छात्रों के बीच भी वापस आने की कोशिश करेंगे, और तमाम चीज़ों को मिलाकर हम प्रयास करेंगे कि इस बार हम राजसमंद के छात्र संघ चुनावों को सबसे बेहतरीन तरीके से आप तक पहुंचाए, ताकि राजसमंद से जुड़ा हुआ, राजसमंद की राजनीति से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति ये समझ सके कि अब छात्र संघों जो ये नन्ही पौध, ये जो नन्ही नर्सरी है, यहाँ से कुछ बड़े नाम, कुछ बड़े नेता निकलने वाले हैं। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से, धन्यवाद।